पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं जी। यहाँ पर न्यू शॉप खुली है दुनियापुर में, तो ये बेस्ट रहेगा दुनियापुर वालों के लिए, और ज़्यादातर मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो दुनियापुर में ही हैं। तो पिज़्ज़ा हट है जी पंजाब वालों का। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? होप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। तो जी, लेट नाइट क्रेविंग, और खाना मैं आजकल ज़रा कम कम बना रही हूँ, और ऊपर से हुआ है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बच्चों की फरमाइश थी जी कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। काफ़ी दिन से हमने पिज़्ज़ा जो है वो नहीं खाया था। बर्गर्स वगैरह की डील हम मंगवा रहे थे, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया था। तो ये जी पंजाब पिज़्ज़ा हट यहाँ पर ओपन हुआ है। तो इसका मेन्यू जो है, थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और उनके जाने वाले भी हैं कोई, और ये वीडियो बिल्कुल भी जी पेड नहीं है। ये जस्ट मैं अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा लें। काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे इनका, आई थिंक शवरमा भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। और दुनियापुर में हम जाके ज़्यादा खाना नहीं खाते, जस्ट हम एक होटल में जाके खा लेते हैं शाहजहां में, उसके अलावा जो कैफ़े वगैरह हैं वहाँ नहीं जाते। और इसके साथ जी हमने एक डील ऑर्डर की थी, पिज़्ज़ा की बाद में बात बताती हूँ। और डील ये थी जी, 5 जिंगर थे इसमें, और 7 1.5 लीटर कोक की बोतल थी, और इसकी प्राइस थी 1400। ठीक है, इसमें जो है वो पैटीज वाले बर्गर नहीं थे, ये 5 के 5 जो हैं ये जिंगर बर्गर थे। और पिज्ज़ा इनका ये देखें जी, कितना माशाल्लाह सॉफ्ट है, फुल है, बहुत ज़बरदस्त। बीच में स्टफिंग थी इनकी, और फुल चिकन, यानी साइडों पे भी इन्होंने पूरा चिकन का जो है वो स्टफिंग की हुई थी, और बहुत मज़े का था। सॉस इनकी थोड़ी सी डिफरेंट थी नॉर्मल पिज़्ज़ा से, इन्होंने आई थिंक खुद बनाई हुई है, इनकी कोई स्पेशल सॉस है, लेकिन बहुत मज़े की थी। और वो सॉस इन्होंने हमें साथ भी दी थी इन बर्गर्स के और पिज़्ज़ा के। तो ये डील तकरीबन हमें जो है वो घर में पड़ी है। 1400 के बर्गर थे जो हमने बाद में खाए। एक ही पिज़्ज़ा 4 लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, जबकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और पिज़्ज़ा की प्राइस थी जी 1300, और इनकी डील में ये सबसे महंगा जो है वो पिज़्ज़ा था। बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था, एक बार ज़रूर मंगाएं। और इसका नाम आई थिंक था चिकन चीज़ क्रस्ट, और ये बहुत मज़े का था। मेरे कहने पे जी ज़रूर ऑर्डर करें। और बर्गर्स भी इनके अच्छे खासे थे, बन इनके काफ़ी फ्रेश थे, और साथ जो केचप है वो भी इन्होंने बहुत सारी दी थी। मेरी तरफ से जी रेकमेंडेड है। होप मेरी छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगे, और ये वीडियो जो है मैं पंजाब वालों को भी इंशाल्लाह भेजूंगी। होप कि उनको भी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे। और इनका बैठने का सेटअप बहुत अच्छा है। मैंने फिर बताया आपको कि हम ज़्यादातर यहाँ कैफ़े में हो या इस तरह के पिज़्ज़ा हट में कभी भी नहीं गए, कभी भी जाके नहीं बैठे, हम जस्ट एक ही जगह पे जाते हैं। लेकिन मेरी छोटी बेटी बता रही थी कि इनका बैठने का सेटअप बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है, बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, तो हमने इसलिए घर में मंगवाया था। आप अगर जाना चाहें, कोई पार्टी वगैरह करना चाहें तो जाके भी कर सकते हैं। होप छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।